नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत, कोच का स्प्रिंग टूटने से बिगड़ी ट्रेन की चाल, घायल युवती ने 5 दिन में तोड़ा दम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। नागपुर में मानकापुर थाने के तहत होटल जायका के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक गिट्टी खदान गंगानगर निवासी आशिक मातोरट वानखेड़े है, जो कि आरोपी ट्रक चालक बिना संगम कामठी निवासी विनोद पराते है। आशीष के रिश्तेदार मानकापुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार को 25 जुलाई की सुबह 11 बजे आशीष अपनी बाइक पर रिश्तेदार को अस्पताल में भोजन का डिब्बा देने के लिए आ रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने आशीष की बाइक को टक्कर मार दी। आशीष को उपचार के लिए एलेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान शाम 6 बजे डॉक्टरों ने जाँच के अधिकारियों से कहकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोच का स्प्रिंग टूटने से बिगड़ी ट्रेन की चाल। नागपुर में चलती ट्रेन के कोच का स्प्रिंग क्लॉच लाइन अचानक टूट गई, इससे इस ट्रेन की चाल बिगड़ गई और यह 1.5 के बजाय 3 घंटे के बलहार शहर में नागपुर से आ सक्रिय हुई। गतिनिहत के रहते हुए रास्ते में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना अनहोनी होने की आशंका जताई गई। इस ट्रेन की बलहार शहर से बेहद कम रफ्तार में नागपुर आई। नागपुर से लगभग 1 घंटे तक स्प्रिंग क्लॉच लाइन की मरम्मत करते हुए यात्री काफी परेशान हुए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। घायल युवती ने 5 दिन में तोड़ा दम। हमले से घायल युवती ने पूजा ने 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। इस मामले में प्रेम को अंजाम देने संबंध में वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हत्या चढ़ा है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। उल्लेखन की सावंगी थाना क्षेत्र के राय पार्क में चंद्रपुर जिले में पूजा नामक युवती नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही पूजा के उसके गाँव में युवक प्रवीण सोनटक्के के साथ प्रेम संबंध थे, लेकिन प्रवीण को संदेह था कि पूजा के अन्य युवक मोहित मोहाले के साथ भी संबंध है। इसी संदेह के चलते पूजा के जन्मदिन पर 21 जुलाई को उस पर जानलेवा हमला किया गया था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चार दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।